लोगों ने ऐसे ऐसे, इसके बारे में समझ लिया ना किस तरह पार्ट में यहाँ पर मोहन ऐसे ऐसे हो रही है, उसकी तबीयत में कुछ खराबी है, तो उसके पेट में कुछ खराबी है, तो ये एक एकांकी है। किस तरह इस एकांकी को हमें समझाया गया है, आपको समझ में आया ना एकांकी का मतलब क्या है? मैंने इसके बारे में आपको कल समझा दिया था और पाठ के परिचय में भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पर मोहन अपने पिता के साथ ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर ऑफिस में कुछ ऐसे वैसे खाते हैं, इसलिए उसको क्या हो गई, पेट दर्द हो गई, तो उसकी माँ कहती है, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं, वहाँ पर एक केला और एक संतरा उतना ही खाया है, कुछ भी नहीं खाया, तो फिर भी उसकी हालत क्यों बिगड़ गया? तो दोनों माँ बाप मोहन के पास में बैठ कर सोचते रहते हैं। तो बाद में डॉक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पर मोहन की माता बताती हैं, तो बहुत ही क्या होती रहती है, मोहन को तकलीफ होती रहती है, तो इसको डॉक्टर को बुलाती है। बुलाने के लिए यहाँ पर उसकी पिता को मोहन की माता बताती है, माँ बताती है, तो मोहन के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फोन की घंटी बज जाती है, तो उसके पिता चले जाते हैं। तो यहाँ तक हम कल पढ़े थे। तो पिता, यहाँ फोन की घंटी जिस तरह बजती है और नंबर क्या है इसको देखिए। पिता, आप सभी लोग किताब ओपन करके रखिए, पेज नंबर 51 है। आप मैं जब जिस तरह पढ़ती हूँ उसको देखते ही जाइए और उसके साथ साथ आप सुनते जाइए। यहाँ 4-3-3-3-2 है, मतलब पिता कह रहे हैं कि यह तभी फोन की घंटी जब बज जाती है तो मोहन के पिता उठते हैं, तो उठकर फोन पकड़ते हैं, तो यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, यहाँ पर कुछ नंबर पूछते हैं, तो ये पिता मोहन के पिता बताते हैं कि हाँ 4-3-3-3-2 ही है। तो बोल रहा हूँ कौन, यहाँ पर नाम नहीं पूछते, यहाँ पर फोन के नंबर पूछते हैं, तो बताते हैं बोल रहा हूँ कौन, तो आप कौन है, बोलिए मैं 4-3-3-2 के फोन के मालिक हूँ, इसे बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो कन्वर्सेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ की जो बात यहाँ पर आती है वो सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन जो मोहन के पिता क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर हमें उल्लेख किया है। यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर संभाषण हो रही है फोन पे, तो फोन पे संभाषण जब होती है, फोन ओळग ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಒಳಗ ಈ ಸಡಿಗೆ ನೀನ್ ಧ್ವನಿ ಏನಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो मोहन तंत क्या बात कर रही थी, हाँ डॉक्टर साहब जब नंबर के बारे में पूछते तो मैं हूँ बताकर, डॉक्टर साहब पूछते हैं, डॉक्टर साहब का ये फोन था, तो जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब वहाँ से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मोहन के पेट में दर्द अभी तक है? तो पूछने के बाद यहाँ पर उसके पिता बताते हैं कि हाँ जी अभी तक है, जी हाँ खाया तो कुछ नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं कि मोहन क्या खाया था, लेकिन उसके आधार पर यहाँ पर उत्तर देते हैं कि पेट में दर्द है, जी नहीं खा तो कुछ नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पर बस यही कह रहा है कि, मतलब यहाँ पर मोहन कल इतना ही कह रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, देखिए ऐसे ऐसे होता है, मतलब किसको मालूम हो जाते हैं, क्या हो रही है, किसको मालूम हो जाती है, ये तो मालूम नहीं हो रही है, होता है बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बना है, तो मतलब ये ऐसे ऐसे के बारे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे क्या है इसके बारे में तो समझ में नहीं आ रही है, ये पेट पकड़ कर ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह वो यहाँ पर हमें बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जी 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 हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, दस्त मतलब क्या है, दस्त का मतलब सुस्त।
जब यहाँ से वहां से डॉक्टर पूछता है कि क्या उसको क्या है, सुस्त हो गई है या कुछ उसका मुख में कलर चेंज हुआ है, लेकिन मुख की कलर वो बताते हाँ सफेद हो रहा है, लेकिन नचाता फिरता है। तो नाचता फिरता है मतलब पेट दर्द होने के कारण इधर उधर वो नचता हुआ अंदर अष्टे कुणदाड़ता आड़ता डांस अंदर मटे नो बंद कुणदाड़ता सो फिरता है, उसे तो दस्त तो नहीं आया और उसको तो वो भी सुस्त नहीं है उसको। जी हाँ पेशाब तो आया था, देखिए पेशाब मतलब क्या है, यूरिन अंदर डॉक्टर ऐन फोन कल अद्नेल इंस्ट्रक्षन ऐन कल करेक्टी मोहन ते ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆನಾ, ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಜಿಗಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾ ನೋವು ಏನಿದೆ ಜಿಗಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಗೇನು ಸುಸ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಸ್ಗೆ ಸಾಸೆ ಹಿಕ್ಕಿ ಉಸ್ಕೊ ನಚಾತ ಯಹಾ ಪರ್ ಜಹಾ ಪೇಶಾಬ್ ಪೇಶಾಬ್ ತೋ ಆಯಾತ ಉಸ್ಕೊ ಯೂರಿನ್ ಹುವಾ ಕಿನೆ, ಅವನು ಯೂರಿನ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ತು ಆಯಾತ ಪೇಶಾಬ್ ತು ಆಯಾತ ಜಿ ನಹಿ ರಂಗ್ ತು ನಹಿ ದೇಖಾ, ತೋ ಜೋ ಯೂರಿನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ರಂಗ್ ತುಮ್ನೆ ದೇಖ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಪೂಛ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ರಂಗ್ ತೋ ಹಮ್ನೆ ನಹಿ ದೇಖಾ ತೋ ನಹಿ ದೇಖಾ, ತೋ ಆಪ್ ಕಹೇ ತೋ ಅಬ್ ದೇಖ್ ಲೂಂಗಾ. ತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಕಹೇ ತೋ ಅಬ್ ಹಮ್ ದೇಖ್ ಲೇಂಗೆ ಉಸ್ಕಾ ಯೂರಿನ್ ಕಾ ರಂಗ್ ಕೋ ದೇಖ್ ಲೇಂಗೆ. ತೋ ಅಚ್ಛಾ ಜಿ जरा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है. तो फोन पे यहाँ पर डॉक्टर साहब को बताते हैं कि जल्दी आने के लिए कहते हैं, तो आप जल्दी आने से हमें बहुत कृपा होगी, मेरे ऊपर मेहरबानी होगी क्योंकि बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा है मेरे बेटा, तो जल्दी आ जाइए डॉक्टर को मिन्नत ही करते हैं. तो डॉक्टर साहब जल्दी चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं. तो डॉक्टर साहब बताते हैं ಆಯ್ತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಡೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ದೀನಾನಾಥ ಪ್ರವೇಶ ದೇಖಿ ಜೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇ ಓ ಪಡೋಸಿ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ ತೋ ರಹನೆ ಮನೆ ಪಡೋಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೇ ದೀನಾನಾಥ, ದೀನಾನಾಥ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಯಹ ತೋ ಏಕಾಂಕಿ ಹೇ ತೋ ನಾಟಕ ಹೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ पड़ोसी बस से आने की एक व्यवस्था करते हैं. मोहन जोर से कराहता है, तो मोहन जोर से चिल्लाने लगता है, तो मोहन माँ माँ ओ इस तरह पुकारने लगता है. तो निम्बेनूनती ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಕರೀತಾ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो उल्टी आती है, उठ कर नीचे झुकता है, तो माँ सिर पकड़ती है. मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, तो ओ ओ करना मतलब वोमिट करना, थूकता है, फिर लेट जाता है हाथ हाँ हाय हाय करके. तो उसका तबीयत तो बहुत ही बिगड़ रही थी, तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उल्टी आ रही थी, तो उसकी सीन यहाँ पर दिखाती है. ब्रैकेट में जो भी होती है वो संभाषण नहीं होता, ब्रैकेट इरतक्कंथद्दु भाषे इरल्ल. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಕೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೋ ಮಾನೆ ಕಮರ್ ಸಹಲಾತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೋನ್ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯ ತೋ ಬೆರ್ಕೋ ಬಲ ಚಂಗ ಗಯ ತಾ, ಚಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ಹೋತಿ ಹೇ, ತೋ ಯಹಾ ಪರ್ चंगा हो गया, चंगा मतलब सिंह लोग बात करते हैं देखिए, हाँ तो उसकी भाषा है राजस्थान की नहीं, सिंह लोग बात करते हैं, बहुत चंगा दिख रही देखो इस तरह बात करते हैं ना. यहाँ पर बताते हैं क्या हो गया, ये नहीं तो मगोगे दोपहर को बना चंगा गया था, दोपहर को तो ये इतनी अच्छी सी खा पी कर अपने पिता के साथ गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पढ़ा है, नहीं तो मोहन बला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है. देखिए
किस तरह उसकी माँ को उसकी याद, पहले जो किस तरह वो करता था उसकी याद आने लगी, क्योंकि कहता है कि दोपहर को बड़ा चंगा था, दोपहर को तो बहुत अच्छा था, जब वो दफ्तर जा रहे थे तब तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस समय क्या हो गया, उसको समझ में नहीं आ रही उसकी माँ को, मोहन की माँ को समझ में नहीं आ रही किस तरह वो बिस्तर पे पड़ा है। इसको देखने से हमें बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि ये तो कभी भी पढ़ता नहीं था, लेकिन मौज मस्ती करने में, घर में आवाज करने में, घर में क्या करने में, हल्ला गुल्ला करने में बहुत ही मशहूर था, मतलब बहुत हल्ला गुल्ला करते रहता था, वक्त तो घर को तो सिर पर उठाकर रखता था। तो इस तरह ये सो गया है ये, क्योंकि इसको बहुत ही तकलीफ है। दीनानाथ का यहाँ पर एंट्री हो जाती है, पड़ोस का जो घर में रहते हैं नए वाले डॉक्टर का एंट्री हो जाती है। तो अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार, गुलजारा क्या रहता है, तो इसे चढ़ उसे पचाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, जहां वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। देखिए दीनानाथ को भी मालूम है मोहन किस तरह रहता था घर में, कभी भी चुपचाप नहीं बैठते थे, हल्ला गुल्ला मचाते हुए रहता था। तो इसको देखकर उसको ना दीनानाथ आते हैं, तो आने के बाद शुरू हो जाती है, अजी घर क्या, घर तो बहुत शांत हो गई थी क्योंकि मोहन तो बिस्तर में था। तो पड़ोस को भी गुलजारा किया रहता था। देखिए तो अपने घर में उतना ही नहीं, पड़ोस के घरों में भी क्या करते थे, उन्होंने दंगा करते रहते थे, हल्ला मचाए रहते थे। तो इसको क्या हो गया, तो इस तरह डॉक्टर साहब बताते हैं कि पिताजी कहते हैं कि बड़ा नटखट है मेरा मोहन, तो बड़ा नटखट है। लेकिन बीच में माँ बात करते हैं कि पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। देखिए माँ को स्कूल की चिंता पड़ी है, तो यहाँ पर बताते हैं कि मुझे तो बहुत ही डर आ रही है, क्योंकि ये तो अभी तक बेचारा इतने हल्ला गुल्ला मचाने वाला, शोर मस्ती करने वाला, खेलने वाला, कूदने वाला मेरा बेटा अभी ऐसे थक गया है, देखो तो उतना ही नहीं कर तो स्कूल कैसे जाएगा मोहन, इस तरह उसकी माँ सोचने लगी है। तो दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, हाँ जी हाँ। तो इसको देखने से हमें मालूम हो जाता है कि क्योंकि कभी भी बैठने वाला व्यक्ति तो बैठेंगे तो उसको कुछ तो खराबी है। तो इस तरह बताते हैं कि जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहा आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। देखिए यहाँ पर दीनानाथ उसके पड़ोसी थे, तो वो भी ये बता रहे कि वैद्य जी को हम पता कर आ गए हैं, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है, ये तो बैठने वाला नहीं है, किसी का भी सुनने वाला नहीं है। तो आज पड़ोस के लोगों को भी क्या हुआ था, इसका सरदर्द हो चुका था, लेकिन ये तो पड़े रहने के कारण इसको देखने से मालूम हो जाता है कि इसको बहुत ही तकलीफ है, तो तभी तो पड़ा है। तो मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं है, पर कोई डर नहीं है, क्योंकि वैद्य आ रहे हैं, डॉक्टर वहां पर आ रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मोहन बताते हैं तेजी से ग्राहकर, अरे रे 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 ओ, अभी इस तरह पुकारने लगते हैं, अचानक से जोर जोर चिल्लाने लगता है। तो माँ घबरा कर, क्या है बेटा, माँ तो घबरा जाती है क्योंकि बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो उसको जो भी हालत, उसकी हालत देखकर उसको माँ को बहुत ही तकलीफ हो रही है। ताई के बाहर क्या ढंग से दे, याकंद्रे ताव मारता कंता रीति है नोड़ी, अवनो ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು, ವೇದನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆ। ತೋ ಯಾಕರ ಮಾ ಚಿಂತಾ ಕರೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬೇಟಾ, ತೋ ಮೋಹನ ರುವಾ ಸಸ ಬಡೆ ಜೋರ್ ಸೆ ಎಸೆ ಎಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ ಎಸೆ ಎಸೆ। तो रोहांसता मतलब रोते हुए माँ को बताता है कि माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे हो रही है, इस तरह बताता है। तो माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे कैसे होता है, तो कैसे
उसके पिताजी भी सब कुछ पूछ कर पड़े, तो पेट में दर्द है या सुई की इस तरह चुभ रही क्या, सभी तरह के वो पूछ लिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे हो रही है, तो बता दिया। तो माँ को भी ये अजीब लग रही थी कि ऐसे कैसे होता है बेटा, ऐसे ऐसे मतलब क्या है, तो प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे का कोई अर्थ होती है ना, इस तरह होती है, तो मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, तो वैद्य जी का प्रवेश। देखिए फिर भी मोहन क्या कहता है, ऐसे ऐसे कहकर उसका अपने पेट को दबा लेता है, और वो तभी एक वैद्य आते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, तो वैद्य जी कहाँ है मोहन, अपने पेशेंट को पूछते हैं, तो पेशेंट कहाँ है, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई ये दामा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। देखिए इसका तो सारे लोगों को मोहन का जो उड़ागिरी, तो मोहन ने उड़ागिरी एल्ट्री को तब भी तो यश तुंटा था, यश उड़ागिरी ना था एल्ट्री को थी, तो सो ये मोहन ये डॉक्टर कोड़ा बंद तक स्टार्ट की तमाशा मारने प्रारंभ मार दिया, ये नहीं मारने का दिया, कहाँ है मोहन, मोहन ये नहीं था, तो जय राम जी की, तो सभी लोगों ने उसको जय राम मतलब नमस्ते गुड मॉर्निंग इस तरह आप बताते हैं ना, तो इसी तरह हाँ उसके माँ बाप जयराम कहें, तो कहो बेटा केले से जी भर गया। देखिए मोहन को पूछते हैं डॉक्टर, आटा आड़ी आड़ी साका की देनी नहीं है, अब कई दिन पता भी देना थे बटू और मंचूर काटता नहीं, तो कोई धामा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹಲ್ಲ ಗುಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರದನ್ನ ತಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸಬ್ ಹುಡುಗರ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ತೆ ಹೇ ವೈದ್ಯ ಜಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಕುರ್ಸಿ ಪರ ಬೈಠ ಜಾತೆ ಹೇ, ತೋ ಸಭಿ ಹುಡುಗರ ವಹಾ ಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ತೋ ಸಭಿ ಹುಡುಗರ ಯಹಾ ಪರ ವೈದ್ಯ ಜಿ ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬೈಠೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಪಿತಾ, ಮೋಹನ್ ಕಿ ಪಿತಾ ಆಪ್ ಬತಾತೆ ಹೇ ಕಿ वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। देखिए शाम तक तो मोहन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसके पिता के साथ होने के कारण उसको पिता उसके पिता को मालूम हो गया है, शाम तक तो मोहन बहुत ही अच्छा था, लेकिन शाम जिस तरह शाम होने आया तो तब उसको पेट में दर्द दिखाने लगी, तो पूछने लगी, तो मोहन कहता है कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रही है, तो इससे मुझे मालूम ही नहीं होता क्योंकि ऐसे ऐसे क्या होता है, जिस तरह उसके पिताजी भी वहां पर प्रश्न मान, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता, यहाँ तो यहाँ पर वैद्य जी बताते हैं कि असल में बच्चे को समझ में नहीं आता किस तरह पेट में किस तरह यहाँ पर उसको दर्द आती है, तो बच्चों को बताने के लिए नहीं होता, तो हम बताएंगे, तो अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है, मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बंद गई है, क्यों बेटा हाथ की उंगलियों को फैल कर फिर सिकुड़ोते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है। देखिए डॉक्टर तो उसको जांच पड़ताल करने लगे, डॉक्टर और नोड़ने के प्रारंभ में मटिद्रो नोड़ के हेल्थर और तंदे के हेल्थर इन्हों सना में था छोटी और ये ना मटिद्रो तंदर और हेली कागा पतिला सो नान नोड़ हेल्थी नहीं अंतर बिटो उन कई गलों ने ये रीति हेली तने इन नाड़ी गलों ने हेली तंटा का और इको तक थी ये ना यूनिके डाइजेशन से चना का गिला सो डाइजेशन चना का गिला थे बिटो उन ये ना किते मला मतलब टॉयलेट चना का गिला उन्हों ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ತರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಲ ರೋಗ ಜಾನೆ ಸೇ ವಾಯು ಬಂದ್ ಓ ಬಡ ಗೈ ಹೇ, ದೇಖಿ ಮಲ ಕಿಸಿ ಕ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಟೈಮ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 6 ಟೈಮ್ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ. ದಿನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 6 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ 5 ಲೀಟರ್ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಉರಿ ಊತ, ಯೂರಿನ್ ಊತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂಲವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೋಹನ್ ಕರಹಾರ್ಕರ್ ಜಿ ಹಾ ಹೋ ಅಭಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಬ್ ಬತಾತೆ ತೋ ಅಭಿ ಪೇಟ್ ಪೇ ಟೈಟ್ ಹೋ ಗಯ ಎಸಿಡಿಟಿ ಜಬ್ ಆತಿ ಹೈ ತೋ ಹವಾ ಭರ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಪೇಟ್ ಮೇ ತೋ ಪೇಟ್ ಟೈಟ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ತೋ ಮೋಹನ್ ಬತಾತೆ ಹಾ ಹಾ ಐಸೇ ಹಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಮುಜೆ ಐಸೆ ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಮುಜೆ ಐಸೆ ಮೋಹನ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ತೋ ವೈದ್ಯ ಜಿ ಸಬ್ಸೆ ಹರ್ಷ ಸೇ ಉಚಲ್ ಕರ್ यहाँ पर हर वैद्य जी हंसते हंसते, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, नॉटी बॉय होता है मोहन, बहुत ही शैतान बच्चा होता है. तो ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಡಾಳ ಹುಡುಗನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಣ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮೈ ನಿ ಕಹಾನ ಮೈ ಸಮಜ್ ಗಯ ಅಭಿ ಪುಡಿಯ ಬೇಸ್ತಾ ಹೂ. ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ ಹೇ ಪರ್ ಯಹಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ ಕಭಿ ಕಭಿ ಬಡೋ ಬಡೋ ಕೋ ಚಕಾ ದೇತಿ ಹೇ. ದೇಖಿ ಏ ತೋ ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಾ ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಔಷಧ ಒಂದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿದಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ವತಿಗೆ ಹೇ ಮೋಹನ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೈನೆ ಕಹಾನ ಮೈ ಸಮಜ್ ಗಯ ಮುಜೆ ತೋ ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯ ಮುಜೆ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ಗಯ ತೋ ಇಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂಗಿ ದವಾಯಿ ಭೇಜೂಂಗಿ. ದವಾಯಿ ಕಿಸ್ ತರಹ ಹೋತಿ ಹೈ, ಪುಡಿ ಮತಲಬ್ ಪೌಡರ್ ಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಯಹ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಬಡೋ ಕೋ ಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಚಕ್ಮಾ ದೇ ದೇತಿ ಹೈ, ಬಡೋ ಕೋ ಭಿ ಯಹಾಂ ಪರ ಬಚ್ಚಾ ಬನಾ ದೇತಿ ಹೈ. ತೋ ಸೋಚನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಯಹಾಂ ಪರ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಆಓ ಜಿ ದೀನಾನಾಥ್ ಜಿ ಆಪ್ ಹಿ ಪುಡಿಯಾ ಲೇ ಲೋ. ಯಹಾಂ ಪರ ಪುಡಿಯಾ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೀನಾನಾಥ್ ಕೋ ಬುಲಾತೆ ಹೈ. ತೋ ಮೋಹನ್ ಕಿ ಮಾ ಸೇ ಆಧೆ ಆಧೆ ಗಂಟೆ ಬಾದ್ ಗರಂ ಪಾನಿ ಸೇ ದೇನೆ ಹೇ ಹೈ. ತೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ಉಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋ ಜೋ ಪುಡಿಯಾ ದಿಯೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಹಾಂ ಪರ ಸಮಝಾ ದೇತೆ ಹೈ. ತೋ ದೋ ತೀನ್ ದಸ್ತ ಹೋಂಗೆ ಬಸ್ ಫಿರ್ ಐಸೆ ಐಸೆ ಭಾಗೋಗಾ ಬೈಸ್ತೆ ಜೈಸೆ ಗಧೆ ಕೆ ಸಿರ್ ಸೇ ಸೀನ್. ದೇಖಿಯೇ ತೋ ಯೇ ತೋ ಮೋಹನ್ ಕೋ ವೋ ಡಿಸೀಸ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಉಸ್ಕೆ ಪೇಟ್ ಮೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ, ಕಿಸ್ ತರಹ ಉಸ್ಕೆ ಪೇಟ್ ಮೇ ದರ್ದ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾನೆ ಮೇ ನಹೀ ಆ ರಹಾ ಥಾ. ತೋ ಐಸೆ ಐಸೆ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ ತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ಭಿ ಹಂಸ್ತೆ ಹಂಸ್ತೆ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಸೆ ಐಸೆ ಅಂತ ಏನದು ಐತಲ್ಲ ಅದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಉತ್ನಾ ಏನಹಿ ಕಿಸ್ ತರಹ ಗದೇಗೆ ಸಿರ್ ಸಿರ್ ಸೇ ಸೇಂಗ್ ಕತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಂಕಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡುಗಳು ತಲೆ ಕತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಡು ಅಂತವೇನ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಡಾಂಕಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಹಂಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೋ ವಯಸ್ಸು ದೊರಾಕಿ ಅವರು ಬಡತೆ ಹೇ ಮೋಹನ್ ಕಿ ಪಿತಾ ಪಾಂಚ್ ಕಾ ನೋಟ್ ನಿಕಾಲೇತೆ ಹೇ. ದೇಖಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಿತ್ನಾ ಪೈಸಾ ತಾ ಏಕ ದವಾಯಿ ಕೆ ಲೇ ಖಾಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿ. ತೋ ಆಜ್ ಕಲ್ ಕಿತ್ನಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಬಹುತಿ ಯಹಾಂ ಪರ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಹಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಕೆ ಆತೆ ತೋ 2000-5000 ತಕ್ ಹಮೇ ಪೈಸೆ ದೇಕರ್ ಹೀ ಆನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಆಗೆ ಕಿಸ್ ತರ ಪುಡಿಯಾ ಲೇಕರ್ ಅಪ್ನಿ ಬೇಟಿ ಕೋ ಪಿಲಾತೆ ಹೈ ಬೇಟೆ ಬೇಟ್ ಮೋಹನ್ ಪಿಲಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೋಹನ್ ಕಿಸ್ ತರ ಅಚ್ಚೆ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕಲ್ ಹಮ್ಮ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ಯೇ ಜೋ ಭಿ ಪಾಠ ಪಡಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಪಡಿಯೇ ಓ ಪಡ್ ಕರ್ ಆಪ್ क्या कीजिए उसको याद कीजिए. वो यहाँ पर कितनी बात रहती है उसके बारे में भी आप याद रखिए. जब सब भी एग्जाम्स हो जाते हैं तो रोज हम इस सारे लेसन का टेस्ट ले लेते हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा. ओके बाय.